बुलडोजर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि राज्य में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं शामली के गांव बहावड़ी में ग्राम प्रधान की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर की वजह से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। तो वहीं बुजुर्ग की मौत पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गांव बहावड़ी में पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार के बुलडोजर पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है वो बेगुनाह और गरीब परिवार पर नहीं चलना चाहिए। तो वहीं बुजुर्ग हरदन सिंह मुखिया की मौत पर उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद पूर्ण घटना है। इस पूरे मामले में मैं प्रशासन पर दबाव बनाकर न्याय दिलाने का काम करूंगा। बहुत दर्दनाक एक घटनाक्रम हुआ है और ये एक नंगा नाच है। एक अहंकारी सरकार जो दमनकारी नीति अपना रही है, क्रूरता का परिचय दे रही है। सरकार कभी क्रूर नहीं होती, सरकार के शरण में समाज लोग जाते हैं, बचाव के लिए लोग जाते हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से हमारे काम हों, विकास हों, निर्माण हो। निर्माण तो करा नहीं पा रहे और जो वर्षों से निर्माण हैं बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी चीज़ को संज्ञान में लिए, बिना कोई नोटिस दिए बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं। अब गाँव में भी बुलडोज़र आके तोड़ फोड़ करेंगे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ एक 94 साल के बड़े भले और समाज में जिनकी अच्छी छवि थी हरदान मुखिया जी, उनका परिवार, वो सब आहत है क्योंकि उनकी उस कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई। और अब वो परिवार के लोगों से मैंने मुलाकात की है, उनकी वाजिब मांग है, उस मांग का पुरजोर मैं समर्थन करता हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अमानवीय व्यवहार हुआ क्योंकि अधिकारी यहाँ मौजूद थे, सरकारी बुलडोज़र चल रहा था और चलते चलते एक अच्छे इंसान का निधन हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उसे देखते हुए भी अपनी कार्रवाई को नहीं रोक पाते। तो ऐसे जो क्रूर शासक हैं उनका भी कुछ समाधान होना चाहिए जनता के हाथ से। वहीं गांव बहावड़ी में हुई बुजुर्ग की मौत के मामले में जिला अधिकारी जसजीत कौर का कहना है कि जिला कलेक्ट्रेट में तहसील दिवस के दौरान गांव बहावड़ी के प्रधान ने अतिक्रमण हटाने को लेकर एक शिकायती पत्र दिया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जा रही थी। तो वहीं जब बुलडोजर चला तो उस दौरान एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक के दौरान मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में SDM और CO सिटी को जांच के लिए नामित किया गया है। जांच के बाद ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शामली जनपद के बहावड़ी गांव का मैटर एक अभी संज्ञान में आया है, जिसमें वहां के गांव प्रधान तहसील में तहसील दिवस में एक चबूतरा हटाने के लिए शिकायत दे रहे थे, जिस पे आज कार्रवाई करी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो चबूतरा हटाने के बाद वहां पर उस परिवार के कुछ रिलेशन में किसी वृद्ध व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसको ये बता रहे हैं कि वहां पे जब अतिक्रमण हटाने गए हैं, वहां जो अधिकारी गए हैं उनके एक्शन के दौरान जो है हार्ट अटैक आया है। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच जो है वो कराई जाएगी। SDM शामली को, CO शामली को इसका जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कराई जाएगी कि जो अतिक्रमण हटाया गया है वो नियमानुसार हटाया गया है कि नहीं, प्रॉपर नोटिस देकर प्रॉपर टीम जाकर वहां पर जांच करने के बाद। और जो डेथ हुई, बता दें कि शामली अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर के कारण एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब गांव बहावड़ी के हरदन सिंह मुखिया के घर के बाहर बुलडोजर चल रहा था, उसी दौरान 94 साल के हरदन सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये घटना शनिवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ग्राम प्रधान की मौजूदगी में बुलडोजर चल रहा है और उस बुलडोजर की मौजूदगी में ही गांव मुखिया हरदन सिंह की तबीयत खराब हो गई है। एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, दूसरी ओर उस गांव के मुखिया की तबीयत खराब होने के बावजूद हरदन सिंह की मौत हो गई है। बता दें कि मामले पर अब लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।